छत्तीसगढ़ में पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपने घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। सियासत दोनों ही फैसलों पर हो रही है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर कांग्रेस ने सवाल उठा लिया है तो बीजेपी भी हमलावर हो गई है और टीएस बाबा के बहाने तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। चुनावों में घोषणा पत्र की अहम भूमिका होती है, पार्टियां इसी के आधार पर जनता के बीच जाती हैं। घोषणा पत्र तैयार होने के बाद सियासत भी खूब होती है, वादे वचन घोषणाओं पर घमासान भी छिड़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो घोषणा पत्र के लिए टीम बनाए जाने पर ही सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल का यह तंज विजय बघेल को लेकर है, जिन्हें बीजेपी घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि जिसे बीजेपी की आइडियोलॉजी ही पता नहीं वो घोषणा पत्र बनाएंगे, तो क्या बीजेपी के पास प्रदेश में नेताओं का अकाल है? विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है, है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं उठाती, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के कांग्रेस घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष न बनने के फैसले पर पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र के पुराने वायदों को पूरा नहीं किया, इससे नाराज होकर सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र बनाने के पहले एक कमेटी बनाई थी सरकार बनने के पहले, और उसके अध्यक्ष टीएस सिंहदेव थे, एक भी उसमें से किसी भी घोषणा का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ, इससे नाराज होकर के टीएस सिंहदेव जी, उन्हें रिजाइन करना पड़ा या फिर इस समिति में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया। घोषणा पत्र पर वार पलटवार का दौर जारी है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इस पर बयान देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा नहीं है। कवासी लखमा ने यह भी कहा कि उनका घोषणा पत्र तो खुद सीएम भूपेश बघेल हैं। घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहले इन लोग घोषणा पत्र लिखे थे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी देंगे, हर 2100 रुपया में दान कर दिया होगा, 300 रुपया बोनस देंगे, तो दिया नहीं। इनका घोषणा पत्र कोई लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। घोषणा पत्र बनने से पहले ही घमासान छिड़ चुका है। नेताओं के बयान से सियासी माहौल गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र की तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इसके लिए अपनी अपनी कमेटियां बना ली हैं दोनों ही दलों ने। लेकिन अब कमेटी में कौन शामिल हुआ है, कौन शामिल नहीं हुआ है, क्या वाकई में जनता को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, या फिर आपने काम पिछला क्या किया है और क्या घोषणाएं करने वाले हैं इससे फर्क पड़ने वाला है? लोग अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं, लेकिन इस पर सियासतदान कुछ अलग एंगल से सोच रहे हैं। और मेरी शर्ट दूसरे की शर्ट से ज्यादा सफेद है, दूसरे की शर्ट मेरी शर्ट से
कुछ मटमैली है। ये कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ में राजनीति इन दिनों इसी प्रकार से कुछ चल रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। फिलहाल आज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।